जाली नाम का इस्तेमाल कर व्यापारियों को ठगने वाले गैंग का पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वाकड़ पुलिस ने व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को गुजरात और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर 16,18,285 रुपए का माल बरामद किया है। पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने बताया कि पुणे के विक्टर जॉन पीटर की कंपनी में आरोपियों ने जाली नाम बताकर मैट्रेस, बेडशीट और पिलो का लाखों का माल उधारी पर खरीदा था, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलने से शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उन्होंने वाकड़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वाकड़ पुलिस जांच में जुटने के बाद आरोपी गुजरात और मध्य प्रदेश में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने तुरंत दीपक मुरलीधर पनपालिया, अशोक कुमार नैनचंद बाफना उर्फ अंकित जैन और ललित कुमार तुलसीराम खंडेलवाल को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया। वहीं अन्य साथी नूर मोहम्मद हुसैन उर्फ राजेशपुरी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी अपना नाम बदलकर व्यापारियों को 1 महीने की क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि उधारी ऊपर सामान खरीदते थे और फिर रफू चक्कर हो जाते थे। साथ ही आरोपियों के अन्य साथी उसी माल को दूसरे को बेचकर पैसा कमाते थे। वाकड़ पुलिस ने व्यापारियों को ठगने वाली इस गैंग के 4 आरोपियों को धर दबोचा और कुल 16,18,507 रुपए का मैट्रेस, बेडशीट और पिलो का माल बरामद किया है। आरोपियों पर कई राज्यों में भी मामले दर्ज हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। नटवर लाल जिसके तरीके बड़े कमाल के हैं, उसका तरीका ये है कि होलसेल विक्री व्यवहार के बीच जो क्रेडिट 1 महीने की होती है उसका फायदा उठाना, पहले विश्वास संपादित करना, छोटे पैमाने पर माल खरीदना और उसके लिए पैसे समय पर देना और फिर विश्वास संपादित हो जाने के बाद लाखों रुपए का माल लेना होलसेलर से और अपने शॉप को एकाएक रातों रात बंद करके माल सहित भाग जाना। और नाम वो अलग अलग नाम लेते थे, अलग नाम से वो वस्तुएं लेते थे उधार में, तो ये उनका तरीकेकार था। यहाँ पर वाकड़ के इलाके में वो उन्होंने जो घर की जरूरी बेडशीट मैट्रेसेस इसकी दुकान खोली थी और होलसेलर्स को इसी तरह से फंसाया था। उन्होंने उनका पहले विश्वास संपादित किया और फिर विश्वास संपादित करने के बाद लाखों का माल लेकर वो चंपत हो गया। अब जब इनकी तफ्तीश बड़ी शास्त्रीय पद्धति से और तकनीकी का इस्तेमाल करके हमारी टीम ने किया और फिर उनके एड्रेस, उनका लोकेशन निकाल कर वो विभिन्न राज्यों में पहुंचे, ये क्योंकि ये अंतर्राज्यीय टोली थी जो एक साथ मिलकर काम करती थी। इसका जो मुख्य आरोपी है वो अशोक कुमार नैनचंद बाफना है। इसके खिलाफ इसके पहले भी 8 क्राइम्स चीटिंग के और ब्रिच ऑफ ट्रस्ट के मतलब अन्याय विश्वासघात और धोखे धड़ी के पहले भी दाखिल है।